हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर मर्डर में फिर से आज आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले जो हमने वीडियो बनाए थे उस पे हम देखे थे कि कैसे आप किसी भी फोटो का बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हैं, कैसे आप किसी भी फोटो का बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं, और आज जो हम करने वाले हैं वो है कि आप कैसे फेस मेकअप कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों, फोटो एडिटिंग में फेस मेकअप करना एक बहुत ही बड़ा रोल रहता है, और मैं आज आपको ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा जिसके जरिए आप किसी भी फेस को एक ब्यूटीफुल लुक दे सकते हैं, बेहतरीन लुक दे सकते हैं। तो आप अगर सीखना चाहते हैं और करना चाहते हैं तो बस इस वीडियो का अंत तक देखते रहिए, और मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको डाउनलोड किया जाता है और कैसे कैसे इसमें काम किया जाता है। तो शुरू करने से पहले, आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे जो सब्सक्राइब का ऑप्शन है इस पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड जो बेल आइकन है इसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसी तरीके की वीडियो मैं लाते रहता हूँ जो बहुत ही काम के होते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आलोम विलोम छोड़ के। तो दोस्तों, हम अपना पीसी में आ चुके हैं और अभी हम अपना मैकअप डायरेक्टर ओपन कर लेंगे। तो ये है आपका वो सॉफ्टवेयर मैकअप डायरेक्टर, इसे आप ओपन कीजिए तो कुछ इस तरीके की लोडिंग दिखाई देगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे इनपुट फोटो, इस पे आपको क्लिक करना है जिस फोटो का आप मैकअप करना चाहते हैं, तो इसे क्लिक कीजिए। कोई भी एक फोटो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। तो मान के चलिए इसे मैं ले लेता हूँ ओपन। तो ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके की इंटरफेस आपको दिखाई देगा, है ना दोस्तों। तो यहाँ पे मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ फोटो को, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आपको फर्स्ट जो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन से शुरू करना है। फर्स्ट ऑप्शन से शुरू करके लास्ट ऑप्शन तक आप इस सब इसमें फेस का ही काम है, मतलब इसमें और दूसरा कोई काम नहीं। तो मेरे डिस्क्रिप्शन पे लिंक अवेलेबल है, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, वहाँ पे जाके आप आराम से इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इस पे कैसे काम किया जाता है। तो फेस पे आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए स्किन स्मूथ और दिखा रहा है, इसमें आप क्लिक कीजिए तो आपका स्किन पे जो उबड़ खबड़ है इसको स्मूथ कर देगा। तो इसको बढ़ाइए आप, आपका जरूरत के हिसाब से आप इसको जैसा जरूरत है आप बढ़ाइए। तो देखिए स्किन जो है कि उबड़ खबड़ था वो स्मूथ हो चुका है, ठीक है। फिर इसे हम क्लोज कर देते हैं। फिर फाउंडेशन में चलते हैं। फाउंडेशन में जाएंगे तो यहाँ पे आपका फेस का कलर मिल जाएगा, मतलब कैसे कलर आप फेस का रखना चाहते हैं। वाइट करते हैं तो वाइट, ये देखिए बहुत तरीके के कलर है, और इसको आप कितना लेते हैं अपने हिसाब से कीजिए, ठीक है। तो हमने ले लिए। फिर 3 नंबर पे जाइए ब्रश। ब्रश पे मतलब आपका जो मेकअप का कलर रहता है फेस के ऊपर, वो कलर कौन सी कलर, तो ये ज़्यादातर रेड कलर ही रहता है, तो रेड ले लीजिए। इसको आप ज़रूरत के हिसाब से बढ़ाइए, देखिए जैसा आपका ज़रूरत ऐसे लीजिए, ठीक है। फिर इसे क्लोज कर दीजिए। सर पे जाइए, फिर चौथी ऑप्शन, यहाँ पे आपका फेस का फाउंडेशन को आप मोटापा से आप इसको घटा सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, आपको जैसा अच्छा लगे कीजिए। तो हम इतना रखते हैं, फिर इसे क्लोज कर देते हैं। फेस कॉन्ट्रास्ट पे क्लिक कीजिए,
देखिए, यहाँ पे आपका बहुत तरीके के फेस का फाउंडेशन आ रहा है। जो आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ से ले सकते हैं, और नहीं लेने से इसको आप ऑफ कर दीजिए, और लेने से आपको इसको ऑन कर दीजिए। ठीक है, जितना ज़रूरत है इसको आप कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, फिर इसे भी हम क्लोज कर देते हैं। फिर नोज़ पे चलते हैं, नोज़ को आप ठीक कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ज़रूरत के हिसाब से कीजिए। फिर नीचे चलते हैं, आपके मुंह में अगर कोई तिल वगैरह वैसे कुछ हो तो आप अगर चाहते हैं कि उसको उठा देंगे तो इसको ऑन करने से वो उठ जाएगा। देखिए, मैं आपको सपोज दिखा रहा हूँ कि इस फेस में एक टीप है, यहाँ पे माथे पे जो बिंदिया है टीप है, तो इसको आप अगर ऑन करेंगे तो वो देखिए चला गया। ठीक है, चला गया, फिर ऑफ कीजिए या आ गया। ऐसे अगर मुंह में आपका कोई दाग धब्बा कोई तिल रहेगा तो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, साइन, साइन से आप जो ग्लो साइन है उसको आप घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, साइनी आप बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। ज़्यादा साइनी हो जाता है तो उसको आप कम कर सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं, इसे हम क्लोज कर देते हैं। फिर आते हैं आईज पे, यानी कि आपके आँखों पे आते हैं। अभी आँखों का इतना यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे है। यहाँ पे काजल है, काजल आपके कितना रखना चाहते हैं अपने हिसाब से रखिए। फिर नीचे काजल के ऊपर जो कलर रहता है वो है, जो कलर आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे वही होगा। नीला होगा तो नीला, रेड तो रेड, ब्लैक तो ब्लैक, आप कुछ भी यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे आँखों का आप मेकअप कर सकते हैं, बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशन है, देखिए जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो हम पहला वाला ले लेते हैं। यहाँ पे भी बहुत सारी ऑप्शन है, एक नंबर पे आप क्लिक कीजिए तो इसको आप कम कर सकते हैं, ज़रूरत के हिसाब से ले सकते हैं। फिर यस कीजिए, दो नंबर पे जाइए, दो नंबर का जो कलर है उसको आप, फिर तीन नंबर में चलते हैं। तीन नंबर पे आप इसको ऑन कर सकते हैं, यहाँ पे भी कलर आप कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, मतलब ये आँखों का ही है सब। ठीक है, फिर अगर चार नंबर पे आप इसे यस कर दीजिए, करने के बाद चार नंबर में जाइए, आंखों पे आप ऑब्रो देना चाहते हैं तो इसे ऑन कर दीजिए। देखिए आंखों पे ऑब्रो आ गया। ठीक है, इसे ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, जैसे मर्जी आप कीजिए। पांच नंबर पे आप दे सकते हैं। ठीक है, आंखों का काम हो गया, फिर इसे यस कर दीजिए, इसे क्लोज कर दीजिए। फिर नीचे आइए, और भी बहुत सारी कलर है, जिसको आपको चाहिए वो यूज कीजिए। देखिए ये आंखों का फाउंडेशन है, कौन सा आपको अच्छा लगता है ये देखिए। ठीक है, उसे सिलेक्ट कीजिए। ये देखिए, ये आपका कलर है, आंखों का अंदर का जो कलर है इसको आप चेंज कर सकते हैं। बहुत सारी कलर है, बहुत खूबसूरत लगता है इसको, अगर आप हल्का सा कलर दे देते हैं नीला। ठीक है, फिर हम आईज को क्लोज कर देते हैं, फिर चलते हैं
माउथ पे, यानी कि माउथ पे जो पहला वाला ऑप्शन है लिप्स, अब लिप्स का कलर ले सकते हैं, मान के चलिए रेड ले लिए, ठीक है, जितना ज़रूरत है उतना लीजिए, कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको फेस में कुछ सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, ये सॉफ्टवेयर ऐसा है कि ये खुद ब खुद सब डिटेक्ट कर लेगा, आपकी आँखों को, आपका बाल, आपका फेस सब डिटेक्ट कर लेगा, कुछ मेहनत नहीं करना पड़ेगा। दूसरा जो अब तक ऑप्शन है टीथ है, जो कि यहाँ पे इस फेस पे टिक दिखता नहीं है, इसलिए इसको हम यूज़ नहीं करेंगे। तीसरी ऑप्शन है स्माइल, आपके मुंह में आप स्माइल ला सकते हैं, ये देखिए, ठीक है, आप अगर स्माइल नहीं भी कर रहे हो तो आप यहाँ से स्माइल ला सकते हो, ठीक है। फिर माउथ को क्लोज कर देते हैं, फिर खोलते हैं चौथे ऑप्शन जो है हेयर, ठीक है, तो आप यहाँ से अपने बालों का कलर भी कर सकते हैं, ये देखिए, बहुत सारे कलर हैं, तो हम बालों को ब्लैक ही रखते हैं, ठीक है। तो सब कुछ पहले वाला ऑप्शन से शुरू करके लास्ट ऑप्शन तक अब सबको यहाँ पे यूज कर सकते हैं सिर्फ मेकअप करने के लिए। फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसका बिफोर एंड आफ्टर, पहले कैसे था और अभी मेकअप करने के बाद कैसे दिखता है। तो अब नीचे यहाँ पे क्लिक कीजिए, तो देखिए आपको दोनों फेस यहाँ पे दिखाई देगा, ये था आपका जो कि बिफोर और ये है आफ्टर, ठीक है, देखिए दोनों में कितना फर्क है, यहाँ पे आप ऐसे देख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं, ऐसे देख सकते हैं, देखिए है ना कमाल का ये मेकअप का सॉफ्टवेयर दोस्तों। तो इस सॉफ्टवेयर से आप किसी भी फेस को बहुत ही अच्छा एक ब्यूटीफुल लुक दे सकते हैं और यहाँ से आसानी से आप मेकअप कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि इसी तरीके की वीडियो मैं लाते रहता हूँ, तो इसलिए आप ज़रूर सब्सक्राइब करना ना भूले, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं इसी तरीके की वीडियो और भी लाते रहूँ। तो दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिए सॉफ्टवेयर को और आराम से यूज़ कर सकते हैं। और आप अगर चाहते हैं तो आप मेरा फेसबुक लिंक फॉलो करके मेरा फेसबुक पे भी जा सकते हैं, फेसबुक पेज पे, वहाँ से भी सब वीडियो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल पे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।